प्रभात बच्चों, हम पेज नंबर 24 पर हैं। कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को व्याकरण भाग के अंतर्गत हम कत्वा और लेप दो प्रत्ययों के बारे में जानकारी देंगे। आपको अच्छे तरीके से पहले यह समझना होगा कि कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग होता कहाँ है, क्या जरूरत पड़ती है इनकी। जैसा कि थोड़ा सा पिछले पाठ के अंतर्गत बताया था कि दो क्रियाओं में जब एक ही आदमी दो क्रियाएं करता है तो पहले एक करेगा फिर दूसरी करेगा, जब पहली जो करेगा उसको करके फिर दूसरी करेगा, तो जब वो पहली काम को करता है उसको करने के बाद जब वो दूसरी करता है तो पहली वाली क्रिया के साथ में हम कत्वा प्रत्यय प्रयोग करेंगे। और कत्वा का अर्थ है करके, कत्वा प्रत्यय का अर्थ है प्रयोग करके। तो जैसे राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः पठति, राम पढ़ता है, तो रामः विद्यालयं गत्वा, गम के आगे कत्वा जोड़ दिया, गत्वा पठति हमारा रूप बन जाएगा। इसी तरह से हम जब एक क्रिया करते हैं तो उसके बाद जब दूसरी करते हैं तो पहली करके पहली के साथ में कत्वा प्रत्यय जोड़ करके दूसरी क्रिया बनाएंगे। इस तरह से दो वाक्यों एक वार्ता दो क्रियाओं वाला बन जाएगा। अब एक प्रत्यय होता है इसमें ल्यप प्रत्यय, और वो ल्यप प्रत्यय में क्या है कि जब हम धातु केली प्रयोग करें, केली धातु, अकेली धातु के साथ में सिर्फ कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। और कत्वा में क्या जुड़ता है, का बोलने बोलने में आ रहा है, का प्रयोग कभी नहीं होता, खाली ता और वा दो ही पद जुड़ते हैं, त हाफ है पूरा नहीं है और वा पूरा है, तो त्वा हम धातु के साथ जुड़ते हैं। जैसे गम कत्वा, तो गम में किसी भी धातु के आगे अंत में मैं होगी तो मैं उड़ जाएगी, मैं यूज नहीं करेंगे तो वो केली रह जाएगी, तो यहाँ गम धातु है तो गम कत्वा, तो गत्वा हमारा रूप बनता है। लेकिन वही दूसरी तरफ है ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके ही है, वहां पर भी यही बात करेगा। लेकिन एक भी बात इसे ध्यान देनी है कि जो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय में हम पहले ही धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन वो धातु जिसके शुरू में उपसर्ग जुड़ा होगा उसी के साथ ल्यप जुड़ेगा, उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आइए यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है सह विद्यालयम गत्वा पठति, सह विद्यालयम आगत्य, विद्यालयम आगत्य अपि पठति, स माता पितरौ नत्वा कार्यम करोति, स माता पितरौ प्रणम्य कार्यम प्रारभते, भक्तः ईश्वरम पूजयित्वा और भक्तः ईश्वरम संपूज्य, स दानम दत्वा यह स दानम प्रदाय। तो यहाँ पर एक तरफ एक वाक्य में पहले पहले वाक्य में कत्वा है और दूसरे दूसरे में ल्यप प्रत्यय है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब दूसरे दूसरे वाक्यों में उपसर्ग धातु के सुर में जुड़ा हुआ है, इसलिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखो स ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, तो यहाँ पर न नम धातु थी और कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, नम का मैं हट गया तो नत्वा, लेकिन न के ऊपर प्र जोड़ दिया तो नम प्र नम, और फिर आगे कत्वा नहीं जुड़ा तो लेप जुड़ा प्रणम य प्रणम्य, पर हस य परहस्य, परित्यज य परित्यज्य, निरीक्ष य निरीक्ष, पर आप य प्राप्य। तो इस तरह से आपने देखा कि लेप और कत्वा दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, और हमारे वाक्य में जहां उपसर्ग होगा वहां पर य जुड़ेगा धातु के बाद लेप जुड़ेगा, और जहां उपसर्ग नहीं होगा धातु के शुरू में तो वहां पर कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा यानी त्वा जुड़ेगा। अब आप आगे देखेंगे भवान भवती, देखो इस तरह से यहाँ कुछ एक बच्चे की दिनचर्या, अक्षय की दिनचर्या करके उसमें कत्वा और लेप प्रत्यय जोड़ा है। जैसे सबसे पहले शब्द बनाया उत्थाय, उत प्लस था प्लस लेप से उत्थाय बनाया, उत्थाय क्री कत्वा कृत्वा, क्योंकि क्री के ऊपर धातु के उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, गम कत्वा गत्वा बन गया, क्री कत्वा कृत्वा बन गया, सम आप यह सम उपसर्ग है इसलिए आप धातु के आगे लेप जुड़ा तो समाप्य बना। इसी तरह से पठित्वा पठकत्वा, आगम यह आगम्य बना, क्री कत्वा कृत्वा खेल कत्वा खेलित्वा, आगम्य आगम्य और क्री कत्वा कृत्वा। तो इस तरह से आपने धातु इनके कत्वा और लेप प्रत्यय देखना है, दिनचर्या समझे समझे ना समझे ना समझे। दूसरी बात है भवत शब्द, भवत शब्द का प्रयोग कहाँ होता है ये समझा रहा है। हम पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन की चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश की, आप जरा समझिएगा। तो जो भवान शब्द है, भवत शब्द है, वो प्रथम पुरुष में आता है, हालांकि हम आप जिसको कहेंगे उसका प्रयोग प्रथम पुरुष में होगा, और जो तुम कहेंगे तू कहेंगे तो हम मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे क्योंकि वो सेकंड पर्सन को चला जाता है। दो वाक्य इधर उधर के बना के दे रखे हैं, जैसे भवान किमपि न कथयत, तो उसकी जगह भवान की जगह तुम कहेंगे तो तू, तो तुम यहाँ तो अकथयत दे दिया, यहाँ पर अकथया दे दिया, ये मध्यम पुरुष एक वचन है।
त्वम किमपि न अकथय। इसी तरह भवान गच्छति तो त्वम गच्छसि, युवाम पठता। तो ये सारे के सारे प्रयोग जो है ये मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष में है भवान वाले, और ये मध्यम पुरुष में है। जहां मध्यम पुरुष यूज कर देगा वहीं पर क्रिया भी मध्यम पुरुष की हो जाएगी। ये एवमेव, ये और एग्जाम्पल है, त्वम गमिष्यसि, भवती गमिष्यति, युवाम गमिष्यथ, भवत्यौ गमिष्यतः, यूयम गमिष्यथ, भवत्याः गमिष्यन्ति, त्वं शिक्षकाः, भवान शिक्षकाः, त्वं शिक्षिका, भवती शिक्षिका, आदि आदि। तो ये सारा का सारा क्या झमेला है, सब सब एक ही बात कहते हैं कि भवान प्रयोग करोगे तो प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग करेंगे तीतांति वाली, अगर त्वं युवाम यूयम में से मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे, तो मध्यम पुरुष की क्रिया सी था आदि वाली क्रियाएं प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, यही कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें यही बताया है कि त्वम के स्थान पर भवान, युवाम के स्थान पर भवंतौ, यूयम के स्थान पर भवंतः शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये एकवचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है। स्त्रीलिंग में भी त्वम के साथ स्थान पर भवती, युवाम के स्थान पर भवत्यौ और यूयम के स्थान पर भवत्य प्रयोग होता है। ये एकवचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से है। तो आपके सामने यही भवान पठती, भवती पठती, भवंतो पठता, भवत्या पठता है, भवत्यो पठता है, भवंता पठंती, भवत्या पठंती। तो ये वाक्य बना करके दिखा दिए हैं। आगे कुछ थोड़े से रिक्त स्थान है, यही वाक्य इसके अभ्यास के तौर पर भवान, भवतो, भवत्य और तुम युवाम युजम का प्रयोग करके दिखाया है। पुल्लिंग में भवान लिखती, भवंतो लिखता, भवंता है लिखंती, भवती भी लिखती, भवत्य लिखता, भवत्या लिखंती। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में देखो, भवान चलती, भवंतौ चलता है, भवंतः चलंती, यानी भवान का प्रयोग किया। इधर भवती किया तो भवती भ्रमती, भवत्यौ भ्रमता है, भवत्या भ्रमंती। सिर्फ धातुएं बदल दी, शब्दरूप बदल दिए और कुछ भी नहीं। जहां जहां खाली स्थान दे रखे, रिक्त स्थान दे रखे हैं, वो मैंने मोटे बोल्ड वर्ड में भर दिए हैं। आप इन्हें समझें, लिखें, अपनी कॉपी में उतार लें, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, भवान किम करोती, तो स्त्रीलिंग में बदलो भवती किम करोती। पुल्लिंग में त्वम कुत्र गच्छसि, तो बहुवचन में बदलो, यहाँ पर है तो यूयम कुत्र गच्छत। इसी तरह से यहाँ पर एक वचन में बदलिए, भवत्याः किमर्थम धावंती, तो भवती किमर्थम धावती। एक वचन में फिर बदलो, युवाम चित्रम पश्यत, तो तुम चित्रम पश्यसि। इसी तरह से स्त्रीलिंग में दे रखा है, यहाँ पर पुल्लिंग दिया है, ऐसे स्त्रीलिंग में आना चाहिए था, भवंतौ कदा पठत, ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में बदला तो भवत्यौ कदा पठत। तो इस तरह से आप इसको समझें और अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद। उत्तरी